साथियों, पिता का अंश कहीं ना कहीं बेटे में देखने को मिलता है। हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन, जो कि केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे कभी, वो भी 21 दिनों के लिए अपने आप को गायब कर लिए थे। कुछ यही हाल अब इनके बेटे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, और एक दिनों के लिए इन्होंने अपने आप को गायब कर लिया, क्वारंटीन कर लिया। पूरे भारत में किसी को कानो कान खबर नहीं कि ये आदमी कहां गायब हो गया, किसी को पता नहीं। भाई साहब, इनके नाम से पर्चे छपने लगे कि ये गायब हो गए हैं, इनके खोजने वालों को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आज इस सेशन में। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप सिंह और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्लासेज। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के उस ऐसे मुख्यमंत्री की जो कि अपने आप को ही गायब कर लिया। भाई साहब, ये ऐसा बंदा है जिसके परिवार में अब कलह टूट पड़ी है और ये पारिवारिक मतभेद भी अब देखने को मिल रहा है। बात ये करेंगे कि कैसे इनकी सरकार गिरने वाली है, क्या अब इनके सरकार को बचा पाना मुश्किल है। सारी बातें जानेंगे इस आज के इस सेशन में कि कैसे विपक्ष भाजपा पर पलटवार कर रहा है और भाजपा विपक्ष पर पलटवार कर रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, झारखंड में एक पार्टी है झामुमो। जब ये पार्टी बनी थी मुझे लगा था ये पार्टी झा है, लेकिन ये वो पार्टी तो नहीं निकली। लेकिन अब ये देख करके, ये पारिवारिक कलह देख करके, सचमुच में ये पार्टी, मुझे तो यही लग रहा है कि यह पार्टी झा है। लेकिन अब बात करते हैं कि आज के इस सेशन की। झारखंड सीएम है हेमंत सोरेन, जो कि इनकी सरकार गिरने वाली है। रांची जमीन घोटाला मामला है यह पूरा मामला। इन्होंने रांची में कोई जमीन घोटाला किया है। अब उस जमीन का घोटाला करने के बाद इनके घर से भाई साहब लाखों लाखों रुपया कैश बरामद हो रहा है, BMW कार बरामद हो रहा है। इसके साथ साथ जमीन, बहुत सारी जमीन के कागजात बरामद हो रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये जो हेमंत सोरेन जी हैं भाई साहब, इसके पूरे परिवार में सब लोग, विधायक, सांसद, सब रिश्तेदार, इसके पूरे परिवार के, इसकी बड़े भाई खैर अभी दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गीय हो गए हैं, भाभी, छोटा भाई, छोटे भाई की लड़की, बहन, सभी कह लीजिए रिश्तेदार उश्तेदार सब इसके भाई साहब परिवार में विधायक सांसद हैं। ये जो पारिवारिक कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, वैसे ही इस लाइन में भी चलता है, नेतागिरी वाली लाइन में। खैर, हम बात करते हैं इस हेमंत सोरेन की। आज इनका काला चिट्ठा हम लोग खोलने वाले हैं। रांची में जमीन घोटाला मामला है। काला धन को सफेद करने के चक्कर में भाई साहब ये क्या हुए हैं, ये चले गए हैं अंदर। अब ईडी इन पर छापेमारियां कर रही है, लगातार इन पे छापेमारी हो रही है। दो बार ईडी इन पे इनसे पूछताछ कर चुकी है। एक बार भाई साहब की थी कब, 20 जनवरी को की थी, और एक बार अभी मंगलवार को ये खुद बुलाए थे। इनको ढूंढा जा रहा था ईडी के द्वारा, तो ये खुद बुलाए, भाई साहब हम आज हाजिर हो गए हैं और आइए हमारे आवास पे और यहीं पे पूछताछ कर लीजिए। इसके पहले अभी दिल्ली में पूछताछ हुई थी, कैश बरामद हुआ था। खैर, सोमवार को ईडी से बचने के लिए भाई साहब ये दिल्ली से, अभी तक आप नहीं सुने होंगे, 1295 किलोमीटर की दूरी कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कार से क्या किया, दिल्ली से भाई साहब रांची चल दिया। लोगों से बचने के लिए, सरकार से बचने के लिए, ईडी की छापेमारी से बचने के लिए भाई साहब कार से ही क्या कर दिए, रांची चल दिए। अब ये रांची पहुंचे रात में, और उसके बाद से मंगलवार की दोपहर में इन्होंने ईडी को बुलाया अपने घर, अपने आवास पर। वहां इनसे बातचीत हुई, जो भी ईडी वाले पूछताछ करने वाले थे। फिर उसके बाद मंगलवार की लगभग 3-4 बजे इन्होंने अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग की। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी सरकार अब क्या है, अब गिरने वाली है, अब कोई बचा नहीं सकता है। भाई साहब, विपक्ष भी कम नहीं है, विपक्ष देखिएगा कैसा कैसा काम कर रहा है। ये कह रहा है कि भाजपा जहां जहां हारने वाली होती है एनालिसिस कर लेती है, वहां वहां ईडी की छापेमारियां, सीबीआई वहां पे वो तेज हो जाती है। खैर, इनका अलग ही लेवल का चल रहा है। ईडी को बुलाया अपने घर पे, अपने आवास पे, वहां पे ये हो गया। फिर उसके बाद से सभी विधायकों को बुलाया। इन विधायकों के मीटिंग में पहली बार आज तक इनकी पत्नी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन इनकी पत्नी भी शामिल रही। साथियों, इनकी पत्नी का नाम है कल्पना सोरेन, और ऐसा माना जा रहा है खुफिया एजेंसियों के दौरान ये कहा जा रहा है कि जब इनकी सरकार गिरने वाली है तो ये इस्तीफा दे करके, उससे पहले ये जेल जाने वाले हैं, तो इस्तीफा दे करके उनसे पहले किसको बनाना चाहते हैं, तो कल्पना सोरेन को बनाना चाहते हैं। यही बात, कल्पना सोरेन का इन विधायकों की मीटिंग में शामिल होना इनके परिवार में एक मतभेद खड़ा कर दिया है। उसके पहले ईडी ने जब इनके आवास, दिल्ली आवास पर छापेमारियां की, तो 36 लाख का कैश प्लस 2 BMW गाड़ी बरामद हुई, जो कि हरियाणा राज्य के रजिस्टर्ड है। कुछ जमीनी पेपर्स भी बरामद हुए, इंपॉर्टेंट पेपर्स भी बरामद हुए। अब
जो ये बीएमडब्ल्यू कार है वो एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कार बीएमडब्ल्यू रजिस्टर्ड है। अब भाई साहब, इस आपने कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, अब हेमंत सोरेन जी के साथ साथ ये कंपनी भी पिसने वाली है कि आखिर में इस कंपनी की बीएमडब्ल्यू कार यहां इनके घर पे क्या कर रही थी, आप जवाब दीजिए। इसका पूरा इंफॉर्मेशन अब इससे निकाला जा रहा है कि भाई साहब इनकी कार, इनके कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड कार इनके घर पे क्या कर रही थी। मंगलवार को जब इनका मालूम हुआ, एक दिन के गायब होने के बाद मंगलवार को ये अपने आप को जब उजागर किए कि भाई साहब हम हाजिर हैं, तो पत्रकारों ने जब इनसे पूछना चालू किया कि भाई साहब जरा ये बताइए कि आप कहां गायब हो गए थे एक दिन के लिए, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम आप सभी के दिल में थे, आपने झांक करके अपने दिल में देखा ही नहीं, हम तो आपके दिल में थे। भाई साहब ये भी अलग लेवल का बंदा है। खैर, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है, क्या अब इनकी सरकार गिर जाएगी? ये ऐसा कहा जाना उचित है क्या इनकी सरकार गिर जाएगी? तो बहुत ही पॉसिबल है, 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये कहा जा रहा है कि इनकी सरकार अब गिरने वाली है। महाराष्ट्र में हाल आप सबने देख लिया, बिहार का हाल सबको पता है नीतीश चाचा का। भाई साहब सबसे ज्यादा पलटवार नीतीश चाचा, उन सबों का वीडियो जब वायरल होता है, खैर बात कर रहे हैं झारखंड पे, बिहार का कहां से आ गया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या झारखंड में वर्तमान सरकार गिर जाएगी? ऐसा 100% तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतना मान करके चलिए कि जो हाल महाराष्ट्र में हुआ, जो हाल बिहार में हुआ, वही हाल अब कहां होने वाला है, तो झारखंड झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का होने वाला है। ये झामुमो पार्टी सच में भाई साहब अलग लेवल की पार्टी है। अब इनके परिवार में विवाद हो चुका है। विवाद किस लिए हुआ है? जब इन्होंने इन विधायकों के साथ मीटिंग की, तो इन विधायकों की मीटिंग में अपनी पत्नी को भाई साहब ये ले गए और अपनी पत्नी को बिठा दिया कि विधायकों से हामी भरवाए कि देखिए हम अगर इस्तीफा देते हैं तो हमारी पत्नी क्या बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, क्या आप सहमत हैं? सबने कहा कि हाँ हम आपके साथ हैं। खैर, लेकिन यही बात विवाद का कारण बन गई। और वो कारण क्या था कि इनकी भाभी एक हैं, इनकी भौजाई एक हैं, भौजाई का नाम क्या है, सीता सोरेन है। इनके भैया भाई साहब स्वर्गीय हो गए हैं, इनके भैया का नाम था दुर्गा सोरेन, जो कि जब ये पार्टी का गठन हुआ था, झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, जब इनकी पार्टी का गठन हुआ था, तो इनके पिताजी और इनके बड़े भाई यानी दुर्गा सोरेन ने बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, भागीदारी किया था। और इसी जो दिवंगत हैं इनके सीता सोरेन के पति जो दुर्गा सोरेन हैं, इन्हीं का हवाला देते हुए ये दुर्गा सोरेन ने ये कहा कि भाई साहब इस पार्टी के गठन में मेरे पति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और जब आज इनको ईडी के द्वारा छापेमारियां हो रही हैं, जेल जाने के कगार पे हैं, इतना घोटाला किए हैं, तो हम इस परिवार का कोई ना कोई सदस्य मुख्यमंत्री बनेगा और मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी ही मुख्यमंत्री बने। भाई साहब अब सुनिएगा, इनका भी छोटा भाई है, इनकी बहन है, वो भी तो इनके परिवार का हिस्सा है, ये कह रही हैं इनकी पत्नी तो दूसरे घर पे आई है, इस परिवार का तो हिस्सा है नहीं, हम भी इस परिवार के हिस्सा है नहीं, लेकिन इस परिवार का हिस्सा मेरी बेटी कहलाएगी, मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं, तो सबसे बड़ी बहू होने के नाते मैं ये चाहती हूं कि मेरी बेटी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो। खैर, इनका कहना ये है, इसका मतलब ये हुआ, ये इन्होंने एक और बात कही कि जैसे आपके साथ भी विधायक शामिल है, वैसे हमारे साथ भी बहुत सारे विधायक शामिल है, और इस बात से स्पष्ट होता है कि भाई साहब अब टकराव भयंकर देखने को मिलने वाला है। खैर, ये तो हो गया कि ये हेमंत सोरेन के क्या है, खिलाफ है। अब बारी आती है इनके बहन की। इनकी बहन है अंजलि सोरेन, जो कि एक तरीके से इनके परिवार का हिस्सा हो गए। ये कह रही है भैया हम तुम्हारे साथ हैं, ये भी कह रहे हैं भाई कि बहना राखी के बंधन को निभाना, तो इनकी बहन ने भी कह दिया भैया हम तुम्हारे साथ हैं। खैर, ये तो हो गए साथ। लेकिन अब छोटे भाई की बारी आती है, जो कि भाई साहब ये और ही खतरनाक निकल गया। ये कह रहा है, इसका नाम है बसंत सोरेन, ये कह रहा है देखिए सबसे पहले भैया की बारी थी, भैया तो नहीं रहे, लेकिन अब मझले भैया अब जाने वाले कगार पे हैं, तो अब सबसे जो प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, तो प्रथम प्राथमिकता मेरी होनी चाहिए, न भौजाई की होनी चाहिए, न बहन की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। तो ये भी क्या हो गए भाई साहब, खिलाफ हो गए हैं। अब इस पारिवारिक माहौल में पूरा खरमंडल मच गया है, पारिवारिक माहौल बिगड़ गया है। इसी बीच भाजपा ने कसे तंज झामुमो का पलटवार, ये हेडिंग भाई साहब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। झामुमो का पलटवार तो ऐसा है कि इसमें
ये नाराजगी व्यक्त होने वाली कहीं बात ही नहीं नजर आती है सिवाय आपके हंसने के। खैर, भाजपा ने जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल भंडारी, ये तो भाई साहब अलग ही लेवल के हैं। जब ये एक दिन के लिए हेमंत सोरेन गायब हो गए थे तो भाई साहब पूरा पोस्टर लगवा दिया कि हेमंत सोरेन इनकी हाइट है इतना, गोरा रंग, ये फलां ढिमकान, और ये गायब हो गए हैं, खोजने वाले को कितना मिलेगा, 11,000 रुपए का इनाम मिलने वाला है। ये तो हो गया। जब अगले दिन मंगलवार को ये दिख गए तो इन्होंने फिर एक ट्वीट किया कि दौड़ते भागते हाँफते सोरेन जी लौट आए हैं अपने वहां, अब झारखंड का मार्ग खुलने वाला है। 1295 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली से रांची हेमंत सोरेन जी आ गए हैं पैदल दौड़ते भागते उगते। खैर, अब इसी को लेकर के झामुमो ने पलटवार किया है। क्या पलटवार किया है भाई साहब? बाबूलाल भंडारी के दिमाग का इलाज कराने वाले को हमारी पार्टी 11 लाख का इनाम देगी, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया, बताया गया। उन्होंने एक और बात कही, ऐसा जो हेमंत सोरेन के खिलाफ ये लोग भाई साहब अलग ही लेवल का बयान दे रहे हैं, इन पे मानहानि का मुकदमा का चेतावनी इन्होंने दे दिया। कौन? झामुमो पार्टी ने। किसको? भाजपा को। अलग ही लेवल के चल रहे हैं। अंत में ये कह रहे हैं लोग, ये झामुमो वाले, कि जहां भाजपा को लगता है हमारी हार होने वाली है, जहां हार हो जाती है, जहां सरकार पलटने की बात आ जाती है, वहां ये सब क्या करते हैं, वहां ईडी को तेज कर देते हैं, सीबीआई को सक्रिय कर देते हैं कि भाई साहब वहीं जाओ, वहीं काला धन सब मिलेगा, इन्हीं के घर मिलेगा। मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, एक मुख्यमंत्री साहब दिल्ली में पिस रहे हैं, केजरीवाल जी लगातार, सिसोदिया जी लगातार, उन पे ईडी की छापेमारियां लगातार, बुलावा बैठक चल रहा है। वैसे अब इस घटनाक्रम को देखते हुए एक एनालिसिस तो किया जा सकता है कि भाई साहब सरकार तो अब गिरने वाली है। क्या होने वाली है? सरकार अब गिरने वाली है। खैर, आपका मत क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं, विचारते हैं, क्या इनकी सरकार गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, क्या होगा आगे, और अगर सरकार गिर भी जाती है तो कौन मुख्यमंत्री पद का हकदार होना चाहिए, आप सभी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना टिप्पणी, अपना मन की बात जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।